नमस्कार, न्यूज व्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ गौरव अस्थी, इस वक्त जौनपुर पर मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव के वक्त में जौनपुर आने की क्या जरूरत पड़ी। आप लोग जिस तरीके से देख रहे होंगे, पश्चिम में ठाकुर वोटर एक तरीके से कहा जा रहा है, जिस तरीके से नाराज है, मूछे तान दी है बीजेपी के लिए, उसी तरीके से क्या ये लड़ाई पूर्वांचल पर भी होती हुई आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मामला तिकोड़ी हो चला है। कहा जा रहा है बसपा से टिकट जब धनंजय सिंह की पत्नी को दिया गया, उसके बाद यहाँ पे सियासी टेम्परेचर और भी गर्म हो गया, यहाँ की आबो हवा में और भी गर्मी बढ़ गई। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो बैठे हुए हैं, सभी ज़्यादातर लगभग छत्री समाज, तो दो चार लोग और भी समाज से हैं तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन ज़्यादातर छत्री बाउल ये गाँव है, मल्हनी बदलापुर का ये बदलापुर विधानसभा है, और ये गांव मेहंदीपुर है। तो मेहंदीपुर में तमाम सारे लोग हैं, ठाकुर समाज के ज़्यादातर लोग हैं, इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे जौनपुर का चुनावी माहौल क्या कह रहा है, क्या धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिए जाने से ठाकुर समाज उनके साथ जा रहा है, क्या वाकई में बीजेपी से ठाकुर समाज नाराज है, और नाराज है तो क्यों नाराज है, इसका कारण क्या है। सबसे पहले आपका क्या नाम है? अनिल कुमार सिंह। अच्छा सिंह साहब, बड़ा दिखाया जा रहा है कि ठाकुर इस बार नाराज है। ठाकुर से क्या मतलब है, देश देखना है, ठाकुर देखना है, योगी मोदी देखना है हम लोगों को, ठाकुर नहीं देखना है। ठाकुर कृपा शंकर भी है तो क्या उनको न दें, हाथी चढ़ जाए हम लोग हैं? मतलब तो, जातिवाद की बात नहीं है, आप कह रहे हैं देश देख के, देश देख के हम लोग वोट करेंगे, जात से कोई मतलब नहीं, विकास कर रहे हैं, विश्व नाम भारत का है, उसको भी देखना है। हम ही लोग देखें क्या, हम लोग मतदान करें तभी तो भारत बढ़ेगा। तो कह रहे हैं कि हम इस बार यहाँ की जनता कैंडिडेट देख रही है, धनंजय सिंह की वाइफ को टिकट दिया गया है, तो लोकल के हैं, हमें पहले लोकल का देखना पड़ेगा। तो भाई मल्हनी के हैं, मल्हनी उनकर देखे, सीधी सी बात है, जिला पंचायत में मल्हनी विकास के हैं, बदलापुर के हैं, एक काम बदलापुर विधानसभा में दिखाई दें या हमारे गाँव सभा में दिखाई दें। अच्छा, मैं और भी दर्शकों को बता दूं कि मल्हनी विधानसभा धनंजय सिंह की विधानसभा है, और उनकी वाइफ जिला पंचायत अध्यक्ष है ना, जिला पंचायत अध्यक्ष है। पहले मल्हनी में काम के बदलापुर में बता दें कहाँ काम हुआ है, हमारे ग्राम सभा में बता दें जिला पंचायत कौन सा काम हुआ है। अच्छा, जब 2009 में रहे थे, सांसद बने थे ना बसपा के टिकट से 2009 में? हाँ हाँ, तो हम लोग साथ थे, हम काम किए थे, हम लोग साथ थे उस समय, साथ बिल्कुल साथ थे, अब नहीं है। योगी मोदी काम अच्छा हुआ, हम उनके साथ हैं 14 से, उससे पहले थे भाई धनंजय के साथ, विधायक हम लोग बनाए उनको, पहले रारी थे। तो साथ क्यों छोड़ दिए? अरे साथ यार छोड़ दिए क्या, एक प्रांत से प्रधानमंत्री बन जाए, विकास कर लेंगे, एक प्रांत चुनाव लड़के, या पूरे देश चुनाव हो रहा, प्रांतीय चुनाव तो है नहीं, ये एक सांसद दो सांसद प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आप बताइए बनेंगे जो पूरे। आप लोगों को प्रधानमंत्री की कुर्सी देखनी है? हम लोगों को प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी देखनी है, मोदी ही बनेंगे फिर तीसरी बार, फिर से जौनपुर कृपया शंकर सिंह जीतेंगे। नहीं है जी, मोदी ठाकुर नहीं, हम लोग विकास पर वोट करेंगे, हमारे देश का विकास हो रहा है आज 10 साल से, और उसी को देखते हुए हम लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, और यहाँ ठाकुर ब्राह्मण समाज से कोई लेना देना नहीं है, कोई नाराज नहीं है, कोई भी ठाकुर वर्ग नाराज किसी से नहीं है, हम सिर्फ विकास देख रहे हैं, जो भी विकास करेगा हम उसको वोट करेंगे जी। अच्छा, आपका क्या नाम है बाबा? राजेंद्र प्रसाद सिंह। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं विकास के नाम पे वोट करेंगे, लेकिन ये जो इस बार कैंडिडेट दिए गए हैं कृपा शंकर सिंह बीजेपी की तरफ से, कह रहे हैं ये बाहरी कैंडिडेट हैं और धनंजय सिंह यहाँ के कैंडिडेट हैं, इस वजह से ठाकुर समाज उनके साथ जा रहा है। भाई कौन सी जनता कह रही है या कौन सी मीडिया वाले कह रहे हैं कि वो बाहरी हैं? वो बाहरी नहीं हैं, वो ठाकुर परिवार से संबंधित हैं, लोकल हैं, धनंजय सिंह से ज़्यादा वो नज़दीकी हैं, लेकिन हम नज़दीकी और दूर पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ विकास पर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, हम उनको वोट देंगे। तो आप विकास के नाम पे वोट? हम विकास के नाम पर वोट करेंगे, लेकिन जो टीवी चैनलों पे और बताया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि मतलब ठाकुर समाज की मूछें स्वाभिमान होती हैं, कह रहे हैं इस बार मूछें अड़ दी हैं बीजेपी के खिलाफ, देखिए कहीं थोड़ी सी बात हो गई होगी, जैसे गुजरात में, ठीक है, गुजरात में 5% राजपूत हैं,
वहाँ कोई बीजेपी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और बाकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कोई नाराजगी नहीं है, तो कहने वाले कहते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पश्चिम यूपी में भी कहते हैं, बहुत यूपी में भी नहीं है, सिर्फ फेक न्यूज वाले बताते रहते हैं कि ठाकुर समाज नाराज है। हम कहते हैं ठाकुर समाज ये बाहुल्य गाँव है, यहाँ कोई नाराजगी नहीं है। ये ठाकुर बाहुल्य? हाँ, ठाकुर बाहुल्य है, यहाँ कोई नाराजगी नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, कितने परिवार यहाँ पे लगभग ठाकुरों के होंगे? ठाकुरों के तो पूरा टोटल ठाकुर है, 250-300 घर हैं जी। 300 घर यहाँ पे, हाँ ठाकुर हैं। और इसके बाद अन्य जातियाँ हैं जी, थोड़ी बहुत जी। तो ठाकुर बहुल है, और हमारा क्षेत्र तेजी बाजार जो क्षेत्र है वो ठाकुर बहुल है, यहाँ कोई नाराजगी नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। हाँ, आप कह रहे हैं कि इस बार फिर से मोदी जी को जिताना है, क्यों मोदी जी को ही? वो विकास कर रहे हैं, कम से कम उनके शासन में धोखाधड़ी नहीं हो रही है। जो पैसा केंद्र से चलता है वो पहले रुपए में 25 पैसे हमारे पास आता था, 75 पैसे बीच में रह जाता था, आज कम से कम हमारे नाम पर पूरा 1 रुपया आता है, और उसको हम निकाल कर उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। तो हमें उस शासन को देखना है जो कि धोखाधड़ी नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार खत्म है उसमें, और विकास कर रहा है, देश का विकास कर रहा है, तो हम उसको देखेंगे। हम छोटी मोटी पार्टियों को नहीं देखेंगे कि एक सांसद जीत गया चला जाएगा तो विपक्ष में वो बोल भी नहीं सकता। एक सांसद तो हम एक सांसद को क्यों देखें, हम देश को देखेंगे, देश को चलाने वाले को देखेंगे। आज हमारी निगाह में भारतीय जनता पार्टी सबसे नंबर 1 पे शासन कर रही है और जनता के हित का कार्य कर रही है। कह रहे हैं कि छोड़िए मतलब प्रधानमंत्री वाला चेहरा, इस बार यहाँ का लोकल कैंडिडेट देखिए, उसके बाद यहाँ पे जो समीकरण है वो बीजेपी के खिलाफ बन गया। जैसे कह रहे हैं कि ठाकुर समाज हो गया, उसके बाद बहन जी वाला हाथी वाला वोट हो गया, वो ये एक तरफ चला जा रहा है। देखिए, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, कोई भी हो, हमें पार्टी से, जो पार्टी हमारा विकास करेगी, हमारी जनता का विकास करेगी, चाहे हरिजन हो या क्षत्रिय हो या यादव हो, हम लोग उसी को वोट करेंगे। और हमें धनंजय से या कृपा शंकर से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें पार्टी से लेना देना है। पार्टी, जो पार्टी विकास कर रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, हम समझ रहे हैं, हम उसका लाभ ले रहे हैं, तो हमको उनको वोट करेंगे। तो ये होल्डिंग पोस्टर लग रहा है जो जय धनंजय, तय धनंजय, जीतेगा जौनपुर, आगे बढ़ेगा, ठीक है, उनका कार्य काम है, उनकी औरत लड़ रही है, ये कार्यकर्ता लगा रहे हैं कि आम जनता का? नहीं, आम जनता तो नहीं लगा रही है, उनके कार्यकर्ता लगा रहे हैं, ठीक है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है, लेकिन भाई हम वोट करेंगे तो विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। ये जौनपुर है, इमरती बड़ी फेमस है, इमरती जैसे घूम घूम के बनती है, इसी तरीके से दादा ने कह दिया, हम आशीर्वाद तो देंगे लेकिन वोट हम देश के नाम पर, देश के नाम पर करेंगे, विकास के नाम पर करेंगे, और पार्टी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। आपका क्या नाम है भाई साहब? रमेश बहादुर सिंह जी। ठाकुर साहब, क्या आपके जौनपुर का समझ में आ रहा है सिनेरियो इस बार? जौनपुर में मोदी जीतेंगे, कैंडिडेट्स हमसे मतलब नहीं है, और हम मोदी के नाम, योगी के नाम वोट करेंगे। आज मोदी अगर ना होते तो जो देश पाकिस्तान और श्रीलंका की जो दशा है वही दशा होती। कोरोना काल में सब सारे लोग कितना झेले जी, लेकिन योगी मोदी जो किए कोरोना काल में, हमारा देश बच गया, हमारे देश की क्या हुआ। अब मोदी के अलावा कोई आ जाए, हमारा देश बचने वाला नहीं था। तो आप लोग लोकल कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं क्या, कैंडिडेट के नाम पे, कि सिर्फ कमल और मोदी? कुछ नहीं, मोदी योगी, मोदी योगी, हम नहीं, हमारे क्षेत्र में लोग मुंह पर चाहे वोट वो बोले, ज्यादा मत कमल का ही, मोदी का है, हर जातियों में कमल कमल। अच्छा, तो ये जैसे पश्चिम भी अभी फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई है, तो वहाँ भी जैसे दिखाया गया कि ठाकुर समाज योगी से नाराज है, फेक न्यूज है सब, ठाकुर समाज, अदर समाज, खाली मुसलमानों को छोड़ करके,
सब जातियों में भाजपा है, योगी है, मोदी है। अरे मुसलमान भी दे रहे हैं। अब मुसलमान भी कुछ हैं, हमारे यहाँ दो घर तीन घर मुसलमान है, सब खुला उड़ देंगे मोदी को। लिया जाएगा। अरे लिया कैसे जाएगा भाई साहब? कि खुद वो लोग खुला उड़ देंगे। अब भी पूर्वांचल में ठकुराई चलती है। ठाकुर बाहुल बेल्ट चाहिए। हमारे यादव भाई अनिल जी हैं। जी। अच्छा यादव जी हैं, रुकिए। अच्छा क्या नाम है भाई? अनिल कुमार यादव भाई। अच्छा तो कह रहे हैं ये ठाकुर साहब की वोट लिया जाएगा। हम लोगों का संबंध बहुत पुराना संबंध है, हमारे बड़े भाई साहब हैं। यहाँ जात-पात कोई बात ही नहीं है। अच्छा तो यादव समाज का भी क्या मन भटक रहा है क्या अखिलेश जी से? साइकिल अखिलेश प्रत्याशी वैसे भेज दे रहे हैं, वहाँ जौनपुर प्रत्याशी कोई नहीं रह गया उनके पास है। इतने लोग हैं, इतना और हम लोग भी जान लीजिए तीसरी पीढ़ी, हम लोग भी मान लीजिए समाजवादी पार्टी में हो गया था हम लोगों का भी मान लीजिए यहाँ। और कितने लोग हैं बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सब पार्टी में, उन लोगों को टिकट ही नहीं मिल रहा। अब मान लीजिए हवा हवाई वाले आ गए, अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो इनसे मिलने बांदा लोग जाएंगे, बताइए बांदा। अब आप कह रहे हैं तीन पीढ़ी आपका समाजवादी में रहा पहले? पहले रहा लेकिन अब नहीं, वो नहीं मिल पाए। कुछ नहीं क्या मिला उनका, तो एक तरीके से फैक्टर है एम वाई कुछ नहीं, कोई यादव मुस्लिम देखिए जहाँ जिसका संबंध है। अभी हमारे कृपा शंकर हमारे पड़ोसी हैं, बगल हमारा ग्राम सभा है उनके। पड़ोसी कहाँ, वो तो कहते हैं मुंबई में रहते हैं। पड़ोसी हैं, उनका परिवार है यहाँ, उनके भतीजे हैं, भाई हैं, सब संबंध है जी। संबंध है जी। आपने तो यादव जी का पूरा मन बदल दिया। हमारे छोटे भाई हमारे मन बदले, जैसे यादव जी का मन नहीं बदलेगा। एक खुला जी, हम लोगों के साथ हैं, हम इनके साथ हैं। और यहाँ टोटल बहुसंख्यक 90% भाजपा को वोट है, मोदी का भी वोट है। हम कृपा शंकर नहीं वोट दे रहे हैं, मोदी को दे रहे हैं। मोदी को लाना है, आएंगे तो मोदी जी यहाँ थोड़ी काम करने आए। ओ वही तो जो भेज रहे हैं आज, एक रुपया हम किसानों को मिल रहा है पूरा। पहले तो कभी नहीं मिलता था, 10 पैसे नहीं मिलता था एक रुपये में। अच्छा तो ये एक चीज़ और बता दें कि पूर्वांचल की ये वो सीट है जौनपुर, जिससे पिछली बार 19 में भी बसपा जीत गई थी। बसपा का गठबंधन था समाजवादी पार्टी से, समाजवादी बसपा सब गठबंधन था। अकेले बसपा का है इस बार, 21 सीट नहीं पाई है बसपा का। 14 वाली हाल हो बसपा का, सपा 3 सीट पाए बस, कांग्रेस सफाया, रायबरेली छोड़ दिए सफाया हो गया। कांग्रेस सफाया एकदम भाई। और बसपा का, बसपा खाता खुले 14 वाली हाल हो फिर यूपी में ऐसे खाता ना 19 में जीत गए ना ये। अरे गठजोड़ रहा सपा का बसपा का, इतना गठजोड़ ना बे। हाँ इतना जमन बाटे सब है। तो इस बार दूसरा जमीन पे गठजोड़ बन गया ना, कह रहे हैं ठाकुर और दलित और ये पिछड़ा रहे, तब ठाकुर लड़ा रहे। तो इस बार 403 विधानसभा में एक उमा शंकर सिंह खाली सीट पाए हैं अपने व्यक्तित्व पे, और खाता नहीं खुल रहा। यहाँ भी तो व्यक्तित्व वाला ही चुनाव है। तो जेल में है बेचारा, अंदर है ना, जिसका व्यक्तित्व है वो अंदर है, बाहर वाले क्या व्यक्तित्व है। मलनी सवाचन मलनी जीत जाए जाना जीत गए, मलनी फिर है चुनाव मलनी से फिर हाँ निकले 4 तारीख देख ले जाए लिस्टियत रहे पूरी, 4 देख ले मलनी कितना पीछे है। अब काम बहुत बेचारे रुके हैं जिला पंचायत से, बदला पुनमित करे हुई भाई हमारे से केरियम ना किए हैं। या टहर यारा देख या कतो बोर्ड लगा हो श्री कला धनंजय के बताई दिखाई बने हैं। तो कह रहे हैं चुनाव मतलब कि वो सरकार में नहीं है ना पार्टी दूसरी, इस वजह से काम नहीं करने दे रहा। अपना दल सपोर्ट्स जिला पंचायत भर रहे, अपना दल सपोर्ट्स रहे ना, तो बीजेपी गवर्नमेंट यूपी में कर रही, अपना दल सपोर्टर रहा कि न्याय ब्याह तब कहे ना के हैं, कहीं कहे काम भी दे रोकत हैं, काम ना हो पाए। जो आम परसेप्शन बनाया जा रहा है कि बड़ी गरीबों की मदद और घर घर जाना और जो चला जाए उसका मदद, अरे तो यार सभाई जात श्याम सिंह यादव छोड़ सभाई आवत जात के नेता ना ही आवत, श्याम सिंह यादव ये कहूँ कि यहाँ ना ही आए।
टिकट भी दे बिजार रसिया गए अखिलेश साहब शासन दे रहे हैं वो नए दिन काली चिट्ठी लिखे थे रसिया गए। हाँ हाँ रसिया का मतलब गुस्सा गुस्सा गए हैं श्राप दे रहे हैं नाराज हो गए हैं श्राप अब दे रहे हैं अखिलेश को अखिलेश को हाँ हाँ श्राप दे रहे हैं उनकी चिट्ठी पढ़िए मेरी माई होगी कल से नाराज है भाई टिकट का आशा दे रहे हैं टिकट दिए नहीं उनको नाराज हो गए हैं। तो यही मतलब कि अखिलेश वाला वोट जैसे मान लीजिए उसमें बिगाड़ेगा खेल ठीक है इधर कुछ बसपा का अरे भारतीय जनता पार्टी का वोट इधर उधर होगा और उधर सीट निकल जाएगी हाथी वाली कहाँ निकले यार हाथी हाथी करे हद गए यह सब देश देखत बा हाथी घोड़ा देखत बा देश 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 हाथी घोड़ा ना के देखत में देश देख जात बा जहाँ विकास हो। तो मोदी के का ऐसे विकास से प्रभाव अरे मुका विकास ना करता है का करे यार 6000 सम्मान निधि देता है विकास। मोदी जी ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के जो मैं अपने कार्यकाल में देख रहा हूँ विदेशों में हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई जानता भी नहीं था आज लोग आशा करते हैं निमंत्रण देते हैं कि मोदी हमारे देश में आए और कुछ वक्तव्य बोले। क्या नाम है भाई साहब? रवि कुमार सिंह। अच्छा ये सिंह साहब मतलब कि जैसे ये चुनाव क्या मोदी के नाम पे है? मोदी के भाई जो मेन अगर आपके परिवार का मुखिया है उसमें चार लोग सर्विस नहीं कर रहे हैं एक लोग सर्विस कर रहे हैं तो मानता किसकी ज़्यादा होगी जो सर्विस कर रहा है। तो हमारे देश की कमान संभाल रहे हैं मोदी जी तो हम मोदी जी को देखेंगे उसी के निर्देशानुसार हम लोग चलेंगे तभी यह देश हमारा आगे बढ़ सकता है नहीं तो नहीं बढ़ सकता। अयोध्या राम मंदिर कितने सालों से विवादित था लेकिन योगी और मोदी जैसे नेता आज उसको आविष्कार के वो बनवा दिए उसको ला दिए सबके सामने। हमारे बुजुर्ग वो तो कहते हैं कि कोर्ट ने बनवाया है कोई भी बनवा देता कांग्रेस भी बनवाती ये अखिलेश भी कोर्ट पहले भी था। मुलायम सिंह सरकार में हत्या हुई भक्तों की उस हाँ राम भक्तों की उस समय भी कोर्ट था उस समय कोर्ट में क्यों नहीं चले गए हैं क्योंकि अच्छा एक बात बताइए क्या ये सारे मुद्दे गांव में भी घूमते हैं क्या कि राम मंदिर 370 चंद्रयान इस तरीके के मुद्दे आम पब्लिक मतलब कि देखती है? देखिए ये जितना चर्चाएं गांव में होती हैं वो शहरों में नहीं होता क्योंकि गांव के लोग अपने काम धाम छोड़ करके जब बैठते हैं फुर्सत में चाय की दुकान पे जगह जगह 8-10 लोग बैठते हैं तो यही चर्चा होती है हमारा देश कहाँ तक पहुँचा हमारे देश का नेता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जिस समय चंद्रयान पहुँचा उस समय हमारे देश में दीपक जलाए गए और नगाड़ा बजाया गया पटाखे जलाए गए तो हम उस पर गर्व करेंगे ना। अच्छा जैसे मतलब आम जो चीज़ें बताई जाती हैं कि गरीब आदमी की समस्या गरीब मतलब कि बिल्कुल धूप से आ रहा है पसीना टपकता हुआ उसको दो रोटी का जुगाड़ हो जाए और गैस सिलेंडर भरवा ले बस यही उसकी समस्या है वो कहाँ से मोदी जी को जिताएगा? राशन मिल रहा है पहले जो था राशन पैसा दिया जाता था आज महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है और फ्री राशन दिया जा रहा है सिलेंडर मुफ्त दिया गया है उस पर सब्सिडी आ रही है मुफ्त सिलेंडर मिला। पहले लकड़ी लोग जलाते थे धुएं से आँख खराब हो जाता था आज मोदी जी के राज्य में घर घर में सिलेंडर है और धुआं की समस्याएं खत्म हो गई हैं तो मोदी की ही देन है। इसके पहले बहुत सी सरकारें 60 साल कांग्रेस सरकार राज्य की उन्होंने नहीं दे दिया बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और कौन थे नरसिंह राव हुए और ये हाँ राज सब ये बहुत क्यों नहीं लाए ये तो पहले था इनको लाना चाहिए था। अच्छा ये जो आम परसेप्शन इस बार चुनाव में बताया जा रहा है कि ख़ास तौर से यूपी में पश्चिम फिर पूर्वांचल ठाकुर समाज की धुआं उठ रहा है गुस्से वाला और इस बार विकराल रूप लेके 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो फटता हुआ बम की तरीके दिखाई देगा। देखिए ये राजनीतिक बात है जब भी चुनाव नज़दीक होता है तो कोई न कोई राजनीति उछाली जाती है और ठाकुरों को एक करने के लिए सोचने के ठाकुर वंश नाराज हो जाए हैं तो
सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन एक राजनीतिक मुद्दा उछाल रहे हैं जो एक गलत लोगों को फर्मी, कुछ लोग ऐसे नेता हैं जो गलत मुद्दा उठा करके एकत्रित करते हैं, जैसे मुगलों से युद्ध हुआ राणा प्रताप से, राणा प्रताप के खिलाफ क्षत्रियों को भरा गया, तुम मेरे साथ आओ हम तुम्हें ये माला माल कर देंगे, इतने गांव दे देंगे, तुम राज करोगे। वही लुभावना आजकल ये चुनाव के पीरियड में क्षत्रियों को दिया जा रहा है। लेकिन इस वर्तमान में क्षत्रिय इतना बेवकूफ नहीं रह गए हैं कि ये घूम जाएंगे उनके लुभावने पे आ जाएंगे, क्योंकि वो राणा प्रताप भी शिवाजी और सरदार भगत सिंह के समय देख चुके हैं, सुन चुके हैं, इतिहास पढ़ चुके हैं, लोग लुभावना दे करके पीठ पे चाकू मारते हैं। इसलिए अब सतर्क हो गए, सब चैतन्य हो गए हैं, जो जिसको कहना है कहे, हम अपने अनुसार जहाँ हमारा हित है, जहाँ हमारे देश का हित है, हम वहीं चलेंगे। एक बात और कही जाती है कि जैसे मतलब जो भी आप समाज ठाकुर समाज की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि बीजेपी ठाकुर नेताओं को साइड कर रही है, किनारे हटा रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी को साइड कर दिया गया, इधर कहते हैं कि मध्य प्रदेश वहाँ से हम ले जा रहे हैं मुख्यमंत्री लेवल से, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को साइड कर दिया पार्टी ने, ठीक है। इधर और इधर कह रहे हैं कि आपके धनंजय सिंह युवा दिलों की धड़कन थे, इनको भी जेल के अंदर पहुंचा दिया। तो ठाकुरों को मतलब कि एक तरीके से साइडलाइन कर रही है। देखिए ये राजनीति है, राजनीति में कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, वो किसी भी तरह अपने देश को बचाने के लिए करबल चल, जिस समय राणा प्रताप की सेनाएं कमज़ोर हो गई, मारी गई, उस समय राणा प्रताप जो है करबल छुपा छुपी मार किए कि किसी तरह हम अपने देश को संभाल सकें, एकत्रित कर सकें। इसलिए जो ये हटाया गया है वो एक दिखावा है, वो फिर एक ही है। मतलब धनंजय सिंह को हटाया जाना दिखावा है बीजेपी का? सब दिखावा है, सब आएंगे, हमारे साथ हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं सब। धनंजय सिंह भी बीजेपी? देखना जीतने के बाद आएंगे, नहीं जीतेंगे तो बाहर रहेंगे। अभी तो 7 सालों के लिए बेचारों को चुनाव लड़ाने लायक है, उनकी वाइफ को लड़ना पड़ा। वाइफ भाई जब कानून कानून को कोई तोड़ नहीं सकता, कानून भाई 7 साल की सजा दे चुकी है, तो भाई उसको अब जमानत होगा तभी आ सकते हैं बाहर, नहीं तो अंदर ही रहेंगे। यही तो कह रहे हैं कि इतना बड़ा छल करके बताइए अंदर करवा दिए। नहीं छल नहीं किया है इनके, तो कहा कि दिखावा कोर्ट किया है, ना कि मोदी और योगी किए हैं, कोर्ट ने किया है, कानून किया है। अब मोदी योगी कहीं नहीं, कोई भी दिखा दे कि मोदी योगी कह करके उनको अंदर करवाए। एक कानून जो है, कानून हर सब के लिए बराबर है, सम्मान है, चाहे वह ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, कानून सब के लिए बराबर है। वो गलत पाए गए और उनको अंदर किया गया। तो ये मतलब कि किसी व्यक्ति के नाम पे धनंजय यहाँ पे सीट नहीं जा रही है कि धनंजय सिंह के वाइफ के सहानुभूति वोट इस तरीके की जो चीज़? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। सब हम लोग अपना देश देख रहे हैं, अगर हमारा देश मजबूत रहेगा, हमारे देश का मुखिया मजबूत रहेगा, तो हम उसके साथ मजबूत रहेंगे। क्या नाम है भाई साहब? संजीव सिंह। क्या कह रहे हैं कि कमल निशान देख रहे हैं या प्रत्याशी भी देख रहे हैं? नहीं नहीं सर, हम लोग कमल निशान देख रहे हैं, प्रत्याशी बाद में, प्रत्याशी कोई भी आए, ठाकुर किसी कास्ट से आए, लेकिन हम लोग कमल पे केवल। कमल से ऐसा प्रेम क्यों है? अरे कमल देश के लिए सब कुछ कर रहा है, समाज के लिए कुछ सब कुछ कर रहा है, तो देखेंगे इसको। जब प्रत्याशी अच्छा मजबूत नहीं होगा तो फिर कैसे लड़के आगे आपकी बात पहुंचा पाएंगे सदन तक? अरे हम कहते हैं पहले यहाँ प्रत्याशी कितना भी कमजोर हो, अगर हम कमल कोट देंगे, मोदी जी मजबूत हैं, मोदी मजबूत है, बिल्कुल मजबूत हैं, और हम लोग साथ दिए हैं पूरा मजबूत कुल कर उनका, तो ये मजबूत नहीं है। कैंडिडेट्स नहीं देख रहे हैं, कैंडिडेट्स क्या मतलब है, हमको कमल दिखाई दे रहा है, मोदी दिखाई दे रहे हैं, योगी दिखाई दे रहे हैं।